Hi guys, this is Monica and you're watching me on Celebrity Beat. Well, दोस्तों चलिए आज बात करते हैं कंटेस्टेंट की पॉपुलैरिटी फोर्थ वीक को लेके, यानी कि एक महीने की पॉपुलैरिटी के हिसाब से कौन डाउनफॉल हुआ है, कौन इंक्रीज हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पोलिंग और बताते हैं कि क्या है सबकी रैंकिंग। सो सबसे पहले नंबर वन की बात करें तो नंबर वन कोई और नहीं बल्कि रुबीना तिलैक है। जी हाँ, वो फोर्थ टाइम उन्होंने आखिरकार खुद को प्रूव कर दिया कि हाईएस्ट टीआरपी रुबीना ही लाती हैं। जी हाँ, अगर मैं आपको बताऊं वोटों के हिसाब से रुबीना को कितने मिले हैं तो रुबीना का जो नंबर है वो है 11,080। जी हाँ, 11,080 वोट्स के हिसाब से वो नंबर वन पे है। नंबर टू की बात करूँ तो जस्ट आफ्टर रुबीना इट्स नन अदर देन राहुल वैद्य। जी हाँ, राहुल वैद्य ने भी सेकेंड टाइम खुद को प्रूव किया है कि वो भी घर में रहने के हकदार हैं। मैं आपको बताती हूँ राहुल वैद्य की वोटिंग क्या नंबर कितना है। राहुल वैद्य का नंबर है 6,380। जी हाँ, 6,380 वोट्स उन्हें मिले हैं। कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो रुबीना इस वक्त काफ़ी, मतलब लोग उनको और पसंद कर रहे हैं। राहुल का थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, पिछले वीक तक राहुल थे नंबर वन पर, बट यस ये वीक जो है राहुल के थोड़े बहुत चीज़ों ने उनको थोड़ा सा डाउनफॉल ले आए हैं। चलिए बात करते हैं नंबर थ्री पे, तो नंबर थ्री पे कोई और नहीं बल्कि रुबीना के हस्बैंड यानी अभिनव है। जी हाँ, अभिनव और राहुल के बीच ज़्यादा वोटों का डिफरेंस नहीं है। अभिनव का जो वोटिंग नंबर है वो है 4,920। जी हाँ, 4,920 अभिनव को वोट्स आए हैं जो नंबर थ्री पे है। नंबर टू पे मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलमोस्ट 2,000 का फ़र्क है राहुल और अभिनव के बीच में। नंबर अगर मैं बात करूँ फोर की तो जी हाँ, रुबीना, राहुल, अभिनव एंड नेक्स्ट एनी गेसेस। वेल आपको मैं बता ही देती हूँ कि अगला कौन है, अगला है इजाज। जी हाँ, और इजाज और अभिनव के बीच में भी ज़्यादा वोटों का डिफरेंस नहीं है, बल्कि माइंड भी आने वाले वक्त में आप देख सकते हो शायद इजाज अभिनव को बीट कर दें। इजाज का जो वोटिंग नंबर है, जितना लोगों ने उन्हें पसंद किया है और उनको वोट मिले हैं वो है 4,270। जी हाँ, 4,270 इजाज को था और अभिनव को था 4,920। जी हाँ, तो ज़्यादा वोटों का गैप नहीं है दोनों के बीच में, सो कभी भी कोई भी एक दूसरे का ओवरलैप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इजाज़ के बाद जो है वो है जैस्मिन। जी हाँ, जैस्मिन की भरी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर वोट के हिसाब से बात करूँ तो जैस्मिन जो है अभी वो इस रेस में आई है एंड डेफिनेटली पिछले वीक से ये वीक उन्होंने काफ़ी बेटर किया एंड जैस्मिन को मिले हैं 2,460 वोट्स। जी हाँ, 2,460 वोट्स जाए हैं जैस्मिन को, और जैस्मिन के बाद अनफॉर्चुनेटली जो थे निशांत, जो इस वक्त एवेक्ट हो चुके हैं, मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन ऑडियंस का वोट अगर बात करें तो घर वालों के हिसाब से तो निशांत निकले हैं, लेकिन अगर ऑडियंस की बात करते तो निशांत शायद घर में रहते, क्योंकि निशांत को मिले थे 1,790 वोट्स। जी हाँ, 1,790, दो ही इज़ नॉट इन द लीस्ट वन। बट अगर मैं निशांत के बाद अगर बात करूँ तो नेक्स्ट यानी कि हमारे सेकंड लास्ट कंटेस्टेंट की, तो वो थी निकी। जी हाँ, निकी तंबोली को लोगों ने इस वक्त काफ़ी पसंद किया पिछले वीक में स्पेशली, क्योंकि डेफिनेटली लोग उनको नेगेटिव और यू नो थोड़ा सा वो वाले शेड में देख रहे थे कि घर में थोड़ी सी एक विलन टाइप इमेज। बट इस वक्त अगर बात करूँ तो निकी को अब धीरे धीरे लोग शायद पसंद कर रहे हैं। निकी को मिला है 1,400 वोट्स। जी हाँ, वो जैसी भी हैं, निकी को 1,400 वोट से लोगों ने पसंद किया। एंड लास्ट जो हैं, जी हाँ, सेकेंड लास्ट थी निकी। जान के बारे में हम नहीं बात करेंगे बिकॉज जान का अभी तक कोई उन्हें स्पेशली वोट नहीं कर रहा है, पसंद नहीं कर रहा है, दो ही हैज़ अ गुड फैन फॉलोइंग बट स्टिल ही इज़ प्लेइंग द गेम। बट वोट्स की बात करो तो लोगों को लगता है जान को अब गेम यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। एंड चलिए हम बात करते हैं लास्ट जो है वो है पवित्रा पुनिया। जी हाँ, जिनको मिले हैं 600 वोट्स। तो अगर घर वालों के हिसाब से निशांत का एविक्शन नहीं हुआ होता तो माइट भी निशांत के जगह पे आज आप देखते पवित्रा पुनिया को। सो दोस्तों, ये थी जो मैंने अभी आपको बता दी वोट्स और रैंकिंग के हिसाब से, और साथ में ये भी मैं बता देती हूँ किन कौन कौन लोग जो है वो अपवर्ड हुए हैं एक महीने के गेम में और कौन कौन किन किन का डाउनफॉल आया। तो अपवर्ड मैं आपको बता देती हूँ, जो जो अपवर्ड्स हुए हैं वो है रुबीना। जी हाँ, रुबीना का अपग्रेड हुआ है। देन देर इज़ निकी, निकी का थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन हुआ है। जैस्मिन अपग्रेड हुई है, और इनको छोड़ के घर में जितने कंटेस्टेंट हैं सबका डाउनफॉल आया है। सो दोस्तों, आप लोग मुझे बताओ कि ये रैंकिंग के हिसाब से आपको क्या कहना है, आपका फेवरेट किस कौन है और किस कंटेस्टेंट को आप देखना चाहते हैं टॉप 5 में, लेट मी नो।